कोका-कोला का कोकेन से लेकर वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक सेल करने का सफर, सिर्फ 9 ग्लास एक दिन में सेल करने से लेकर 1.9 बिलियन ड्रिंक सेल करने का सफर। हेलो दोस्तों, मैं सीए मीना वर्मा और इस वीडियो में हम कोका-कोला की केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। कोका-कोला या कोक द कोका-कोला कंपनी के अंडर एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक सेल करता है। 2015 में बेस्ट ग्लोबल ब्रांड के अनुसार कोका-कोला एप्पल और गूगल के बाद पूरी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका था। आज पूरी दुनिया में लगभग 200 से भी ज्यादा देशों में कोका-कोला के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कोका-कोला की शुरुआत कैसे हुई थी? जॉन स्टिथ पेम्बर्टन ने 19वीं सेंचुरी में कोका-कोला को एक मेडिसिनल रूप में इन्वेंट किया था। इस ड्रिंक को मेडिसिन की तरह बेचा जाता था। फ्रैंक एम रॉबिन्सन ने कोका-कोला का नाम और लोगो डिसाइड किया था। कोका-कोला के अंदर कोका के लीफ और कोला के नट्स यूज होते थे। कोका लीफ से कोकेन आता था और कोला नट्स से कैफीन आता था। तो ये कोका लीफ और कोला नट्स को यूज करके इसका नाम कोका-कोला रखा गया। पर बाद में यूएस की गवर्नमेंट ने कोकेन की कंजम्पशन पर रोक लगा दी। 1903 में कोका-कोला कंपनी ने अपने इस कोका-कोला ड्रिंक के अंदर से कोकेन को रिमूव कर दिया। पर आज भी ये जो कोका-कोला का सिरप है, इसका फॉर्मेशन एक ट्रेड सीक्रेट है। 1879 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन एज अ ग्रेग कैंडलर ने पेम्बर्टन से इस मेडिसिनल ड्रिंक और इसके ब्रांड नेम को परचेज कर लिया। वे इस ड्रिंक को कस्टमर को सेल करना चाहते थे और इससे पैसे कमाना चाहते थे। वे इस ड्रिंक को अमेरिका के हर सिटीजन तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1894 में एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। बजाय इसके कि इस ड्रिंक का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, पर ये ड्रिंक अभी बहुत फेमस नहीं हुआ था। इस ड्रिंक को फेमस करने के लिए एज अ जी कैंडलर ने एक बहुत ही अच्छी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। जो भी कोका-कोला खरीदने आता था, उस कस्टमर को ये फ्री में एक सैम्पल कूपन दे देते थे। अब जो भी इन कूपन्स को लेकर आता था, कोका-कोला उन्हें फ्री में कोका-कोला के ड्रिंक्स दे देता था। तो 1894 से लेकर 1913 तक कोका-कोला ने 8.5 मिलियन कूपन्स रिडीम किए। और इसके बाद पूरे अमेरिका में हर 9 में से एक इंसान कोका-कोला के बारे में जानने लगा था। कोका-कोला को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोका-कोला ने एक बहुत ही अच्छा फ्रेंचाइजी मॉडल स्टैंड किया, जिसे कोका-कोला सिस्टम भी बोला जाता है। ये मॉडल 1899 में इन्वेंट हुआ था, जहां एक तरफ 1800 के एंड में बेवरेज इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जी कैंडलर कोका-कोला को वर्ल्ड फेमस करने में लग गए। 1899 में जी कैंडलर ने कोका-कोला कंपनी के बोटलिंग राइट को 3 बिजनेसमैन बेंजामिन एफ थॉमस, जोसेफ बी व्हाइटहेड और जॉन लप्टन को सिर्फ $1 में दे दिया। कोका-कोला कंपनी ने एक यूनिक बिजनेस मॉडल, एक यूनिक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया, जिसे कोका-कोला सिस्टम भी बोला जाता है। आज पूरी दुनिया में कोका-कोला कंपनी 250 से भी ज़्यादा बॉटलर्स के साथ फ्रेंचाइजी मॉडल पर वर्क कर रहा है। इस मॉडल की वजह से कोका-कोला कंपनी की रीच पूरी दुनिया में 200 से भी अधिक देशों में फैल गई है, जो जी कैंडलर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोका-कोला कंपनी सिर्फ कोका-कोला का सिरप कॉन्सेंट्रेट बनाता है। उसके बाद ये सिरप कॉन्सेंट्रेट जितने भी बॉटलर्स हैं दुनिया में, इसके जितने भी बॉटलर्स हैं, उन्हें ये सिरप कॉन्सेंट्रेट सेल कर देता है। फिर ये फ्रेंचाइजी बॉटलर इस सिरप कॉन्सेंट्रेट को फिल्टर्ड वाटर, शुगर और कार्बोनेट के साथ मिक्स करके इसे केन और बॉटल में पैक कर देते हैं। इसके बाद ये बॉटलर्स इस प्रिपेयर्ड ड्रिंक को रिटेलर, स्टोर्स, वेंडिंग मशीन, रेस्टोरेंट और फूड डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देते हैं। तो इस तरह से कोका-कोला फ्रेंचाइजी मॉडल पर वर्क कर रहा है और पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है। पूरी दुनिया में कोका-कोला के कुछ बड़े फ्रेंचाइजी हैं, जैसे कि कोका-कोला इंटरप्राइज, कोका-कोला
हेलेनिक, कोको कोला इमेटल, कोको कोला फेमसा, जिसमें कंपनी ने अपना कुछ शेयर ले रखा है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉटलर्स हैं और पूरी दुनिया का आधा वॉल्यूम सेल कर रहे हैं। ये जितने भी इंडिपेंडेंट बॉटलर्स हैं, इन लोगों को कोको कोला के ड्रिंक को वहाँ के लोकल लोगों के अकॉर्डिंग, लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग कोको कोला को बनाने का राइट है। अब इसके बाद बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी कंट्रीज जहाँ पर ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्केट है, जहाँ पर ड्रिंक की ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्केट है, वहाँ पर कोको कोला कैसे घुसी और कोको कोला ने अपनी मार्केट कैसे स्टैब्लिश की। इसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है जो बहुत सारे फॉरेन ब्रांड ने अडॉप्ट की थी। आप किसी नई मार्केट में घुसना चाहते हैं जहां ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्केट है किसी और ब्रांड का, आप उस और ब्रांड को या तो परचेज कर लें या एक्वायर कर लें। इससे आपको ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्केट शेयर मिल जाएगा, एक ऑलरेडी स्टैब्लिश नाम मिल जाएगा। कोको कोला भी कुछ इसी स्ट्रेटजी पर वर्क कर रही थी। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का। इंडिया में ऑलरेडी पार्ले की एक स्टैब्लिश मार्केट थी। थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, माजा जैसे ब्रांड इंडिया में ऑलरेडी सेल हो रहे थे और पार्ले ने ड्रिंक मार्केट का मेजर शेयर एक्वायर किया हुआ था। अब जब कोको कोला इंडिया में आई तो उसने धीरे धीरे पार्ले कंपनी के बॉटलर्स को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पार्ले कंपनी के पास बॉटलर्स ही नहीं बचे थे जो उनके लिए प्रोडक्शन कर सकें, और मजबूरन पार्ले कंपनी को, कोको कोला कंपनी को अपने ब्रांड सेल करने पड़े। अब कोको कोला कंपनी इस ब्रांड को चलाने के लिए इन्हें एक्वायर नहीं करती थी। कोको कोला कंपनी इंडिया में थम्सअप के बदले कोको कोला सेल करना चाहती थी और माजा के बदले फैंटा सेल करना चाहती थी, पर जैसे ही कोको कोला कंपनी ने थम्सअप का प्रोडक्शन रोक दिया, थम्सअप की एडवर्टीजमेंट रोक दी, धीरे धीरे कोको कोला कंपनी का शेयर गिरने लग गया और इंडिया में धीरे धीरे पेप्सी कंपनी का शेयर बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से कोको कोला कंपनी ने फिर से थम्सअप का प्रोडक्शन शुरू किया और थम्सअप को इंडियन मार्केट में फिर से सेल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कोको कोला कंपनी कोको कोला के अलावा थम्सअप, माजा, लिम्का जैसे ब्रांड जो आज भी सेल कर रही है, ये इंडियन ब्रांड थे, ये पार्ले कंपनी के ब्रांड थे। तो इस तरह से कोको कोला कंपनी दूसरी कंट्रीज में घुसकर अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने में लग गई। कोको कोला कंपनी की सफलता के बाद कोको कोला के जितने भी कॉम्पिटिटर थे उन्होंने कोको कोला को इमिटेट करना शुरू कर दिया, जिसको फेस करने के लिए कोको कोला कंपनी ने जितने भी कोको कोला के बॉटलर्स थे उनके लिए कोको कोला के लिए अलग बॉटल डिजाइन की। कोको कोला की ये नई बॉटल इतनी यूनिक थी कि कोई भी इसे अंधेरे में छू कर भी, या फिर अगर ये टूट भी गई है तो भी कोई भी इसे देखकर पहचान सकता था कि ये कोको कोला की बॉटल है। तो इस तरह से कोको कोला ने अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग करने की कोशिश की। 1915 में कोका पॉट की शेप से इंस्पायर होकर कोको कोला की बॉटल का डिजाइन बनाया गया था, जिसे काउंटर बोटल भी बोला जाता है। 100 साल से भी अधिक हो गए हैं पर कोको कोला की बॉटल की शेप आज तक नहीं बदली गई है। पूरी दुनिया में इसके आइकन को देखकर कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये कोको कोला बॉटल का आइकन है और ये कोको कोला की पहचान बन गया है। 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोको कोला ने एक और नई बिजनेस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू वे कोको कोला को अमेरिकन टेस्ट बनाना चाहते थे। इस स्ट्रैटेजी के अनुसार अमेरिकन आर्मी, चाहे वो कहीं पे भी हो, कोको कोला उन अमेरिकन सर्विसमैन और उनकी फैमिली को कोको कोला हर कॉस्ट में प्रोवाइड करना चाहते थे। कोको कोला के एम्प्लॉयज और टेक्निकल ऑब्जर्वर को अमेरिकन आर्मी के साथ अब्रॉड तक भेजा गया ताकि वे वहाँ पर इस अमेरिकन आर्मी और उनकी फैमिली के लिए कोको कोला के बॉटलिंग प्लांट को एस्टैब्लिश कर सकें। कोको कोला के इस विजन ने वॉर जैसे क्रिटिकल समय पर भी कोको कोला को एक ग्लोबल कॉरपोरेशन बनने में हेल्प की। अमेरिकन सेना और उनकी फैमिली ने ब्रांड लॉयल्टी निभाई और पूरी दुनिया में कोको कोला जेनरेशन के लिए अमेरिकन टेस्ट के लिए जाना जाने लगा। आज पूरी दुनिया में कोको कोला के 3,800 से भी ज़्यादा ड्रिंक सेल हो रहे हैं।
तो बात करते हैं कि कोको कोला ने डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया। कोको कोला कंपनी ने मिनट में टैब, स्प्राइट और फ्रेस्का जैसे ड्रिंक्स में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे। अब लोग आर्टिफिशियल ड्रिंक के बजाय नेचुरल ड्रिंक को पीना ज़्यादा पसंद करते थे जिसमें शुगर भी कम हो। तो इसीलिए 1960 में कोको कोला कंपनी ने मिनट मेड कॉरपोरेशन को एक्वायर किया। कार्बोनेट ड्रिंक के अलावा कोको कोला कंपनी ने पहली बार किसी नए तरीके की ड्रिंक को इंट्रोड्यूस किया था। ये यूएस में जूस की कैटेगरी में आता था। कोको कोला कंपनी को तीसरी सेल इस प्रोडक्ट से आने लगी थी और मिनट मेड प्रोडक्ट ने क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए अपनी इमेज बना ली थी। ये इन्वेस्टमेंट कोको कोला की एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था। मिनट मेड की सफलता के बाद कोको कोला कंपनी ने अपना पहला लेमन ड्रिंक स्प्राइट इंट्रोड्यूस किया। टैप कंपनी का पहला डाइट ड्रिंक था और उसके बाद कंपनी ने फ्रेस्का शुगर फ्री ड्रिंक इंट्रोड्यूस किया। और इसके बाद कोको कोला कंपनी ने 3800 से भी अधिक कैटेगरी के ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस किए। अब बात करते हैं कोको कोला कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटजी की। कोको कोला कंपनी के लीडर्स का मानना था कि कोको कोला कंपनी के ड्रिंक्स अफोर्डेबल होने चाहिए और हर जगह अवेलेबल होने चाहिए। इसके लिए कोको कोला कंपनी ने 70 सालों में भी कोको कोला के प्राइस को बढ़ाया नहीं, फिक्स रखा। बजाय इसके कि इन दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन भी आया। इस दौरान कोको कोला कंपनी ने और दूसरे ड्रिंक भी इंट्रोड्यूस किए। कोको कोला कंपनी का मानना था कि लोग उनके ड्रिंक को परचेज भी करेंगे और उसे पसंद भी करेंगे अगर ये लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा। ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो की कि 70 सालों में भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने नहीं दिया, फिक्स रखा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि कोको कोला के प्रोडक्ट की डिमांड इतनी बढ़ने लगी। 1990 से लेकर 2000 तक पहुँचते पहुँचते कोको कोला कंपनी एक कंप्लीट बेवरेज कंपनी बन चुकी थी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, ट्रेड बैरियर रिमूव होते जा रहे हैं, पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है। और ये जो मार्केट है, अब ये मार्केट बायर्स मार्केट बन गया है। इस मार्केट में बायर्स का अपर हैंड है, बायर मार्केट को डिक्टेट करने की पोजीशन पर आ चुका है। तो कोको कोला कंपनी भी अब कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बन चुकी है। मतलब कोको कोला कंपनी क्या सेल करना चाहती थी, उससे कोको कोला कंपनी कंज्यूमर क्या पसंद करता है उस पर शिफ्ट हो गई है। आज का कंज्यूमर हेल्थ कॉन्शियस है, उसे हेल्दी, न्यूट्रिशियस, नेचुरल और शुगर फ्री ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद है। तो अकॉर्डिंगली कोको कोला भी अपने प्रोडक्ट की नई नई रेंज इंट्रोड्यूस कर रहा है। 1990 तक पहुँचते पहुँचते कोको कोला कंपनी एक कंप्लीट बेवरेज कंपनी बन गई। कोको कोला कंपनी कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड हेल्दी, न्यूट्रिशियस, नेचुरल जूस भी इंट्रोड्यूस करने लग गई। और आज भी ये कंपनी पूरी दुनिया में कंज्यूमर की टेस्ट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में लगा है।